नमस्कार दोस्तों, AKV टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मॉस्किटो जो है, मच्छर मारने का जो बैट होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ये खरीदते हैं और 1 से 2 महीने के बीच ही इसका जो स्पार्किंग है वो खराब हो जाता है, स्पार्क नहीं करता है। तो उसका कारण क्या होता है वो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे इसी तरह के होम अप्लायंसेस की रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग सिखाई जाती है। तो इसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खोल लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप भी इसे खोल लेना। खोलने के बाद मैं दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर हमें क्या क्या सेटिंग करनी है, क्या क्या चेंज करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो बैट का अंदर का सेक्शन है वो खुल चुका है। ठीक है, खोलने के बाद दोस्तों देखिए इसमें इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे एक बैटरी आपको दिखेगी और यहाँ पे उसका सर्किट है जो यहाँ पे स्पार्किंग करवाता है। ठीक है, तो अभी मैं इसे सबसे पहले बैटरी को चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसमें अधिकतर प्रॉब्लम बैटरी से ही आता है और इसके अंदर में एक पार्ट्स लगा हुआ है, वो एक कैपेसिटर है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को ही चेक करेंगे। तो बैटरी को चेक करने का तरीका दोस्तों देखिए इस तरह का है, इसे हम लोग खोल लेंगे। ठीक है, खोलने के बाद हमें क्या करना मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास ये मीटर होना चाहिए। मीटर होने का फायदा क्या है दोस्तों, अगर घर के किसी भी अप्लायंसेस को आप रिपेयर करना चाहते हैं तो ये मीटर का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज हम लोग किस तरह से चेक करते हैं वो आप अगर सीखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करने का पूरा तरीका मिल जाएगा, उस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो वोल्टेज चेक करने के लिए देखिए हमें डीसी रेंज, या ये है हमारा डीसी, तो डीसी रेंज में हम इसे लगाएंगे 20 पे। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो सर्किट है वो 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है, 4 पॉइंट कुछ वोल्ट से। ठीक है, तो हम 20 के रेंज में लगाएंगे और यहाँ पे हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये प्लस है, प्लस में प्लस को लगाएंगे यानी कि रेड को लगाएंगे, माइनस में ब्लैक को लगाएंगे यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका वोल्टेज जो है कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यानी कि बैटरी हमारा जो है वो पूरी तरह से खराब हो गया है, यानी कि ये मतलब डिस्चार्ज हो गया है और इसे हमें रिमूव करना है और दूसरा बैटरी लगाकर चेक करना है। तो दोस्तों देखिए, बैटरी मैंने यहाँ परचेज कर लिया है, ये बैटरी आपको मार्केट में 15 से 20 रुपए में मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए 4 वोल्ट का है ये और 0.3 AH का है। ठीक है, बैटरी आपको यही लगाना है क्योंकि इसमें यही बैटरी लगा हुआ था। अगर आप में आपके बैट में, आपके मॉस्किटो बैट में दूसरी बैटरी लगी हुई है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो बैटरी को पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो बैटरी खोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोल्डिंग आयरन को गर्म करेंगे और इस तरह से इसे ओपन कर देंगे। और जब आप नया बैटरी लाइएगा तो इसमें देखिए प्लस माइनस का सिंबल बना हुआ रहता है, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो रेड वाला वायर जो होता है वो हमारा प्लस होता है यानी पॉजिटिव। ठीक है, इसे यहाँ जोड़ेंगे, इसे यहाँ जोड़ेंगे। तो इसे मैं अभी सोल्डिंग कर लेता हूँ। अब इसे सोल्डिंग करने के लिए मैं यहाँ पे सोल्ड कर दे रहा हूँ इसे। ये देखिए, एक हमारा सोल्डिंग हो चुका है और इसे भी मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। ये देखिए, ये भी हमारा सोल्डिंग हो चुका है। दोस्तों देखिए, बैटरी को मैंने लगा दिया है, जैसे आप खोले थे उसी तरह से आपको लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, पहले इसे हम टेस्ट कर लेते हैं ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, चेक करने से पहले देखिए ये स्विच को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं लाइट जल रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी तरह से जल रहा है। अब हम इसमें स्पार्क करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए स्पार्क इसका कितना बेहतरीन स्पार्क निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं। देखिए
ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा बन चुका है। अगर आपका बैटरी ठीक है तो हम बता देते हैं आपको कहाँ कहाँ पे आपको चेक करना है। अगर स्पार्क नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आप स्विच को देखिए। अगर स्विच दबाने से ये रेड कलर का बत्ती जो है वो जल रहा है, यानी कि आपका इधर का सेक्शन ठीक है, स्पार्किंग सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो स्पार्किंग सेक्शन में क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपको इस सर्किट को जिस इस तरह से खोलना है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा जो PF लगा हुआ है, पिको फायराइट, इसे आपको चेंज करना है। तो ये नंबर कितना है वो आप देख सकते हैं, 223J, ठीक है, 2000 वोल्ट का है ये कैपेसिटर, देख लीजिए PF, ठीक है। तो ये आप चेंज कर दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है स्पार्किंग का वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बदलने से भी आपका स्पार्किंग प्रॉब्लम होता है तो आपका जो ये ट्रांसफार्मर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ये और इसके साथ जो लगा हुआ है इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर, वो दोनों को आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ये दोनों बदलने जाइएगा तो उतने में आपका नया आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताया है स्पार्किंग को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।